आप अगर कहीं सुने कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है तो दो लाइन में समझाना चाहता हूँ, सीबीएसई में नहीं आता वैसे ये। हर्ट्ज पहला साइंटिस्ट था जिसने लैब के अंदर ईएम वेव को जनरेट किया। इसने किया क्या, इसने सिंपली एक कैपेसिटर लिया, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, और एक इंडक्टर लिया एलसी ऑसिलेटर। तो एनर्जी एक बार इंडक्टर के पास, एक बार कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर एलसी ऑसिलेशन हमने देखी थी कैसी होती हैं। तो एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी चेंज हो रहा है, कभी उल्टा, कभी सीधा, साइनोसाइडली चेंज होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है, ये हमने देखा था। कैपेसिटर की प्लेट के हिसाब से मेटल के दो छोटे छोटे स्फेयर्स लगा दिए, सारा चार्ज कैपेसिटर का स्फेयर्स के ऊपर आ गया, ट्रेवल कर गया, कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत, क्योंकि ये एरिया छोटा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी चार्ज की स्टोर करने की। ये पूरे का पूरा चार्ज जब छोटे स्फीयर पे आएगा तो ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा। तो जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, विच विल बी चेंजिंग विद टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर विल बी चेंजिंग विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत तेज़ी से और बहुत हाई वैल्यू के साथ चेंज होगा तो होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप पैदा हो जाएगा चेंजिंग विद टाइम, और यहाँ से ईएम वेव जनरेट होगी जो ट्रैवल करेगी। अब वो ट्रैवल हुई या नहीं हुई दिखती तो है नहीं, उसके लिए उसने डिटेक्टर लिया, मेटल के दो फिर से स्फीयर लिए, डिटेक्टर के सामने घुमाया, एक ऐसा वैल्यू आई, घुमाने पे एक ऐसी पोजीशन आई कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया उसने इसके साथ इसको इंटरसेप्ट किया, मतलब यहाँ पर चार्जेस प्रोड्यूस हुए और उसके लिए हल्की सी स्पार्किंग हुई। अब देखो बिना टच के स्पार्क होना, इसका मतलब एनर्जी ट्रेवल होके आई है, ईएम वेव जनरेट हुई थी। तो एक्चुअल में जो ऑपरेटर्स था वो देखने में कुछ कुछ ऐसा था, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दो हल्के हल्के जो स्फीयर्स हैं, ये इंडक्टर लगा हुआ है पूरे का पूरा, एलसी ये वेव्स निकली, यहाँ स्पार्क जनरेट हुआ, ईएम वेव ट्रेवल करके दिखाई, कुछ ऐसा प्रोग्राम था।